राज्यसभा के प्रत्याशी हरिद्वार दुबे ने बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी के सवाल पर कहा कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज नहीं है और ब्राह्मण नाराज होकर जाएगा भी तो कहां जाएगा। नाटकबाजी है कुछ। हरिद्वार दुबे को पहले चेहरा नहीं देखा, मैं संगठन में आज तक तो लगातार पदाधिकारी था और ये उड़ाया गया है, लेकिन ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं है। इधर उन्नाव सीएम की जनसभा यहां पर भी होनी है। सीएम की जनसभा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जनसभा में सीआरपीएफ की तैनाती है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, एंट्री गेट पर मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम यहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बांगरमऊ के शांति मैदान में ये जनसभा होनी है, वहां के इंतजाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बकायदा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, नियमों का ख्याल रखा जा रहा है। खुद सीएम ने घाटमपुर में लोगों में बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा ये मतदाताओं से जुड़िए और उनसे अपील कीजिए कि कमल का बटन दबाना है। उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और कांग्रेस के घर में सेंधमारी की है, दो दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बदायूं से 5 बार सांसद रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता सलीम शेरवानी और बीएसपी के कोऑर्डिनेटर और अम्बेडकर नगर से पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाने साधे। ये झूठी सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ लगातार लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ देने आ रहे हैं, समाजवादियों का साथ देने आ रहे हैं और लगातार पार्टी का प्रयास होगा कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जगह दी जाए। आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है वो न केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा बल्कि देश की राजनीति के का भी भविष्य तय करेगा उत्तर प्रदेश। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अभी का उपचुनाव और यही वजह है कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई प्रदेश में नजर आ रही है। इधर बागपत में कल एक लोहा व्यापारी का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। हालांकि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, 7 घंटे के भीतर ही व्यापारी को छुड़ा लिया, 5 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कार सवार बदमाश व्यापारी को कार में घसीट कर ले जाते नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड टाइम में व्यापारी की सुरक्षित रिहाई और बदमाशों की गिरफ्तारी पर एसीएम होम अवनीश अवस्थी ने पुलिस टीम को 2 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है।